कमिश्नर आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत का बलिया दौरा। बलिया पहुंच कमिश्नर ने किया दो गांव का औचक निरीक्षण। कमिश्नर के औचक निरीक्षण से गांव के प्रधान कानूनगो लेखपाल हुए अवाक। एक गांव में तालाब पर हो रहे अवैध कब्जा तो दूसरे गांव में बन रहे पंचायत भवन का किया बारीकी से जांच। दोनों गांव के प्रधान लेखपाल कानूनगो व संबंधित ब्लॉक के अधिकारी को दिया जरूरी निर्देश। कहा जमीन की पेमाइश कर तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को तुरंत करे दूर तथा दूसरे गांव में बन रहे पंचायत भवन के मेटेरियल को और सुधार कर कराए निर्माण। तहसील रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत गुरबुजपुर व कमतैला गांव का कमिश्नर ने किया है औचक निरीक्षण। और ये कैसा चला रहे आपने देख ही लिया, ये तो सीरियसली नहीं चल रहा है आपका अभियान। देखिए मैं आज दो गांव में गया था, एक जगह तालाब निर्माण का कार्य भी देखा तो वो एक अच्छा काम हो रहा है, ब्लॉक के माध्यम से एक अच्छा काम जिला प्रशासन करा रहा है, तो ये और भी जगह ऐसा कार्यक्रम कराए ये निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ जो काम अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण में किया था हो रहा था तो उसका भौतिक निरीक्षण किया है, तो उसमें जो यहाँ पर काम हुआ है यह तो संतोषजनक है। बट और इसके अलावा हमने जो यहाँ पर रिव्यू करा जो तालाब में अवैध कब्जा है, अच्छा एक बात जो यहाँ पर आई थी वो आई थी कि वहाँ लेखपाल ने ही सबके सामने माना कि वहाँ पर कुछ ज़मीन पर कब्जा है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार लिया था अपनी गलती को, तो उनको एकमात्र एक एडवर्स एंट्री की जा रही है और दंड नहीं दिया जा रहा है और उनको मौका दिया जा रहा है अपने हलके में हर जगह का वो कब्जा हटवा दें। यदि वो अपने मौके अपने जो भी उनका हलका है लेखपाल वहाँ पर पूरा हटवा देंगे तो वो एडीए जो आपके एडीएम है उनके माध्यम से मुझे सूचित कर देंगे, तो फिर मैं वो एडवर्स एंट्री को एक्सपंज भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे और बाकी जगह भी आप ये अभियान चलाएंगे। अच्छा वहाँ पे एक जो गलती और पाई गई थी कि कायदे से तालाब की एंट्री श्रेणी 6 में होनी चाहिए थी, वहाँ पे श्रेणी 5 में पाई गई थी जो कि एक अनियमितता है। मैंने एडीएम साहब से कहा है ऐसे और भी जगह दिखवा लें जहाँ बंजर में दर्ज हो गया है तालाब, तो वो किन परिस्थितियों में हुआ है उसको परीक्षण करा लें और उसको फिर जिस श्रेणी में वो आना चाहिए उसी श्रेणी में उसको अंकित कराएं।